के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी लाडली बहनों को दो नई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले राखी की नेक के रूप में 250 रुपए की सौगात देने की घोषणा की थी। यह राशि लाडली योजना की 15वीं किस्त को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा अपडेट दिया है। पहले चर्चा थी कि राखी के नेक के रूप में 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर होंगे। हालांकि अब यह राशि 15वीं किस्त के साथ लाडली बहनों के खाते में भेजी जाएगी। सीएम मोहन यादव आज चित्रकूट में आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाडली बहनों की किस्त को लेकर भी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त को बहनों के खातों में 1250 रुपए और राखी के नेग के 250 मिलाकर कुल 1500 रुपए राशि जमा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह राशि रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहनों को 10 दिन पहले दी जा रही है। इससे बहनें भाई के लिए राखी और मिठाई खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना के अलावा उज्ज्वला कनेक्शन लेने वाली 20 लाख और लाडली बहना योजना की 20 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए भी डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चूल्हे के कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया। अकेले इसी चित्रकूट सतना जिले में मैं आंकड़ा देख रहा था, 384,259 बहने यहाँ लाडली बहनाओं के रूप में है, ये पूरा आंकड़ा। और अभी तक यहाँ 627 करोड़ की राशि तो दे चुके हैं, लेकिन आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, 125,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनेंगे। आज से तो चालू हो गए, लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे पूरे सावन महीने में। सभी सांसद, सभी विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि लगातार इस आयोजन में जुटेंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 को पहले है ही 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूं, 1500 रुपया सबके खाते में, उसमें 1250 रुपए तो आपका अपना है, लेकिन ये 10 दिन पहले पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो 250 रुपए से आप राखी खरीदो, मिठाई लो, कंकु चावल रोली जो मर्जी आए लो, और आप अपने भाई को भी जब 19 तारीख को बांटोगी तो मैं समझ लूंगा मेरे माथे पे तिलक लग गया, ये आनंद आपके साथ उसी दिन महसूस कर लूंगा। ये जो हमारी सरकार ने निर्णय किया है लाडली बहना योजना, बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद गणेश सिंह जी भी कह रहे, सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, हमारी योजना बंद नहीं होगी, ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है, पैसे का महत्व नहीं है, ये संबंधों का महत्व है। हमारा आपका संबंध परमात्मा करे ये सारी जिंदगी बना रहे। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अनोखी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।